Dear students of 10th class, today we will discuss next question. It is question number 3 of the same exercise 5.2 of chapter arithmetic progression. Before we will discuss question number 2, question number 3. Dear students, subscribe this channel ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और वीडियोस शेयर जरूर कर लेना ताकि आपके क्लासमेट्स जो आपके साथ पढ़ रहे हैं क्लास में वो भी इन वीडियोस से इस्तेफादा हासिल कर सके. नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द सेम एक्सरसाइज 5.2 ऑफ द सेम चैप्टर अरिथमेटिक दैट इज एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. क्वेश्चन नंबर 3 में इन द फॉलोइंग एपीज हमारे पास एपीज गिवन है उन में क्या हमें देखना है फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस. बॉक्सेस में मिसिंग टर्म्स को हमें देखना है. इसमें हम यहाँ पे 3 पार्ट्स डिस्कस करेंगे. इसके बहुत सारे और पार्ट्स हैं उनको एज होम एक्सरसाइज आप कर लेना. अगर कोई मुश्किल या कोई आपके जहन में कोई कंफ्यूजन रहेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर लेना. नाउ वी डिस्कस फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. वी हैव हियर गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज 2. फिर हमारे पास बॉक्स है इसको फिल करना है. वी हैव नेक्स्ट टर्म इज 26. वी हैव हियर गिवन एपी उसके 3 टर्म्स हैं. एक तो फर्स्ट टर्म भी गिवन है सेकेंड टर्म हमें बतानी है कौन सी है और थर्ड टर्म है 26. उस फर्स्ट टर्म इज अवेलेबल. इफ वी हैव ए एंड डी दैट इज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस अगर हमारे पास होगा वी कैन फाइंड एनी टर्म ऑफ द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. यहां पे हमारे पास ए तो है बट वी डज नॉट हैव द वैल्यू ऑफ डी. कॉमन डिफरेंस हमारे पास नहीं है ना ही कंसेक्यूटिव टर्म्स जस्ट टू फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म अवेलेबल नहीं है. यहां सेकेंड टर्म थर्ड टर्म लेंगे वो भी अवेलेबल नहीं है. नाउ वी टेक थर्ड टर्म हमारे पास है दैट इज वी हैव थर्ड टर्म टेकन एज ए थ्री. ए थ्री हमारे पास है बट ए थ्री इज इक्वल टू ए प्लस 3 - 1 इन टू डी बिकॉज वी हैव एन टर्म ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इन टू डी. ये हमारे पास है नेक्स्ट टर्म है. थर्ड टर्म हमारे पास है 26. ए थ्री इज हियर 26. इट इज इक्वल टू ए इज हियर 2. ए इज 2 प्लस 3 - 1 दैट इज 2d. ये 2 लेफ्ट साइड है इट बिकम्स हियर 26 - 2 इट इज इक्वल टू 2d. और 26 में से 2 चला जाएगा वी हैव हियर 24. इट इज इक्वल टू 2d. D is equal to 24 over 2. That is, D is here 12. D is here 12. Now we have to find second term. जो बॉक्स में जो second term होगी उसका value हमें देखना है. Second term हमारे पास होगा A2. As An is equal to A plus N minus 1 into D. That is nth term. Second term becomes N if we take value of N is equal to 2. That is A2. इट इज इक्वल टू ए. ए हमारे पास अवेलेबल है दैट इज 2 प्लस एन हमारे पास 2 - 1 इंटू डी इज हियर 12. दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 2 - 1 इज हियर 1. वी हैव 2 - 1 दैट इज 1 इंटू 12 दैट इज 12. 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14. इसका मतलब यहां पे हमारे पास सेकेंड टर्म है 14. इस तरह फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया. नाउ वी डिस्कस सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में हमारे पास ना ही फर्स्ट टर्म अवेलेबल है ना ही कोई 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स अवेलेबल है. अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स अवेलेबल होती वी गेट कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म भी अवेलेबल नहीं है. दोनों चीजें नहीं है बट वी हैव गिवन 2 टर्म्स हियर दैट इज फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म अवेलेबल है. थर्ड टर्म नहीं है फोर्थ टर्म अवेलेबल है. वी हैव हियर नाउ सी किस तरह हम यहां पे इन 2 टर्म्स को देख लेंगे कौन सी टर्म्स हैं. हमारे पास सेकंड टर्म है दैट इज
If n is equal to 2, that is a2 is equal to a plus 2 minus 1 into d. और a2 हमारे पास अवेलेबल है, a2 is 13, 13 is equal to a plus 2 minus, that is a plus d is equal to 13. ये एक हमारे पास इक्वेशन आ गया. Now we have fourth term is also available, that is a4 हमारे पास है, a4 it is equal to, if n is equal to 4, it becomes a plus 4 minus 1.